काम करो, अपना आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पासपोर्ट फोटो। फिर पापा ने सीधा बोला कि मैं दिल्ली हाईकोर्ट का वो बोल रहा हूँ, वकील हूँ मैं, और आप बताओ क्या डिटेल्स चाहिए आपको। आम ची मुंबई चोर साले। भाई हमारे आगे पीछे कैसे आप सब, आई होप सब बड़े होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। बिल्कुल अपने भाई की तरह मैं बहुत दिनों बाद, कम से कम हफ्ते बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आज जा रहा हूँ कॉलेज। तुम देख रहे हो भाई पेपर बैग कैसा आ गया कॉलेज के लिए, तो प्रैक्टिकल चल रहा है भाई, जाना तो पड़ेगा। और मेरे साथ कुछ एक क्या बोलूँ मैं, बताऊँगा कहानी बताऊँगा तुम्हें जो सबको मिले। तो मैं जा रहा हूँ कृति की गाड़ी में, तो मुझे मिलेगा राजौरी गार्डन 2-3 मिनटों से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, तो ना भाई मुझे ना थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का शौक है, मेरे को तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था ऑनलाइन, तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे ना एक्टिंग वैक्टिंग का शौक है, तो मैं उधर गूगल पे सर्च करता हूँ ऑडिशंस। तो मैंने सर्च करा, रिसर्च करी थोड़ी, तो मेरे को एक मिला, तो मैंने उसको ऑडिशन दिया अपना। फिर क्या हुआ, ऑडिशन देने के बाद उसका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, मतलब एक तो फ़ोटो भेजी अपनी और ऑडिशन इंट्रो भेजा। फिर कहती आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, मैंने ठीक है भाई। फिर कहती ये डायलॉग है, ये बुक दिखा दो, मैंने बुक दिखा दी भाई 3-4 बार। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से जाना है, उसके बाद क्या हुआ, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि आप ऐसे शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है सीधा, ठीक है। फिर हाँ, तो फिर सेलेक्ट कर लिया गया आपको, तो आप एक काम करो, अपना आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पासपोर्ट फोटो और कोई आर्टिस्ट कार्ड भेज दो। मैंने कहा आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, कहती आर्टिस्ट कार्ड होता है एक चीज़, और उसने अपनी लिंक भेजा अपना कि इस पे कर दो, इससे बनवा लो। मैंने क्लिक करा, देखा कोई आर्टिस्ट कार्ड था, वो बनाना था, वो था 5-6 हज़ार रुपये का, वो बनवाना होता है, कह रहे कि कंपलसरी होता है काम के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई आगे बोल। फिर मैंने पापा से बात करी, पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ये मांग रही है, और कहती आपको कह रही कि 30-31 मई से शुरू होगी शूटिंग और आपको रोज़ के 5,000 रुपये मिलेंगे। मैं ठीक है, मैंने चल मिल रहे कोई नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने पापा को बोला, पापा एक बार देखना क्या कह रही है ये। फिर पापा ने उसको फ़ोन किया, वो ना मेरे पीछे लग गई एक तरह से कि आप जल्दी से अपनी डिटेल्स भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। तो मैंने सर कोई नहीं, फिर मैंने पापा को बोला, पापा बस देखना फ़ोन करना इसको। पापा ने फ़ोन करा उसको, फिर पापा ने सीधा बोला कि मैं दिल्ली हाईकोर्ट का वो बोल रहा हूँ, वकील हूँ मैं, और आप बताओ क्या डिटेल्स चाहिए आपको। फिर वो कहती सर, और पता उसने क्या कहा था कि ना आप मुंबई नहीं आ सकते, तो हम ना आपकी शूटिंग दिल्ली नोएडा में कर लेंगे, फिल्म सिटी है ना उधर। फिर पापा उस सीधा छूट के बोलती वो कि मैंने कब कहा उनको वंश को कि हम दिल्ली में करेंगे शूटिंग, हम मैंने तो कहा उसको कहा है कि हम मुंबई में करेंगे, मतलब पलट गई बात से अपनी। जैसे पापा ने बोला ना हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, कौन सी डिटेल्स चाहिए, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है, तो पलट गई। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया नहीं उसका, अलग ही स्कैम चल रहा है भाई बॉलीवुड में, क्या करें। वो होते ही मेरे साथ ही है, अलग चीज़ है। अब ये आ गए, अब इनके लिए पानी लेना है, पानी ले लेते, रुक जाओ फिर तुम इनके सामने बात करते हो, ठीक है। भाई वो फ्रॉडिकली उसने क्या करा, मेरे को कल कर रही कि डिटेल भेज दो अपनी, ठीक है सारी। तो मैंने कहा अभी करता रुक जा। फिर मैंने पापा से बात कराई उसकी, तो पापा कहते हैं मैं ना हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूँ, तो हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूँ, आप बताओ क्या डिटेल्स चाहिए आपको। तो कहती सर मैं अभी थोड़ी देर फोन करती हूँ आपको, तो आप कहते ठीक है। फिर फोन आया उसका, फिर कोई और लड़की थी, फिर वो कहती कि सर हमने उसको बोला है नहीं कि हम दिल्ली में शूट करेंगे,
हमने उसको कहा कि मुंबई आ जाओ आप, तेरे सामने थी ना बात, दिल्ली बुला रही थी मेरे को, कहती दिल्ली में कर लो। तो फिर कहती सर मैं आपको फिर से फोन करती हूँ, फिर अब से अब तक उसका फोन आया नहीं है मेरे पास। कह रही थी हाफ शूट दिल्ली में, हाफ मुंबई में। वो कहीं हमने उसको बोला नहीं दिल्ली में शूट होगा। अच्छा रिकॉर्डिंग बढ़िया बोल रहे थे। हाँ अरे भाई बढ़िया है, अच्छा डिटेल्स भेजी नहीं मैंने उसको अपनी। डे इन अ लाइफ ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्टर, बॉलीवुड स्कैम, एस्पायरिंग एक्टर भाई। पुलिस वाले इतने कमाते हैं, सेंट्रो में घूमते हैं भाई मेरा तो सुबह सुबह हो गया, अभी दिखा तू इसका नहीं हुआ। ये ना ये पीछे वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो रहा वो रहा, ये ना ये कहाँ गया, इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है दलाल का। कैसे चोट मार रहा है आप चल के इसी ये भी डर के। अरे चल गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आइयो स्टंट। तो भाई अब हम इसलिए घूमेंगे, हमारी नई गाड़ी आई है, तू जा वैगनर में चल, हम इसमें चलेंगे। आम ची मुंबई चोर साले, चोर बोल रहा है आज फोन छीने दूसरे दिन, ये फोन छीना मेरे भैया से। तो हमारे दो साथी बाहर बैठे हुए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, पर हम गेट नहीं खोलेंगे क्योंकि हमको लेट कर रहे हैं, हमको भूख लग रही है, ये लेट पे लेट कर। नो एंट्री, खत्म कर ले पहले दम ले इसने, कर तो बढ़िया रहो। क्या कर रहा था अंश की, कर रहे इसके अंश की, कर रहे इसके भाई कुछ खाने रुके अभी हमें, या हाफ करवा दो पैसे दे रहा है ये मोटा, कोई नहीं भाई दे रहा है ना फिर। अबे तेरी BMW कब काम आएगी, BMW कब काम आएगी तेरी, और क्या कर रहे हैं BMW फॉर्च्यूनर पैसा नहीं आया, गरीबी चल रही है। अभिषेक ने 5 कुत्ते बेच दिए आज, तो पार्टी दे रहा है उनको है ना। क्या अभिषेक ने 5 कुत्ते बेच दिए आज? अरे अभिषेक की सिलेक्शन हो गई है कुत्तों की रनिंग में, मैराथन में। ये अपने कुत्ते पैदा करता है, सॉरी कुत्ते बेचता है। अरे तुम्हें कुत्ते चाहिए बता देना ठीक है, इसके पास है ये दलाल है कुत्तों का अभिषेक डॉट डॉग दलाल। एक बार भाई देखो एक मैं कहानी बता दो, एक बार इसने वंश को भी बिकवा देता हमारे। अच्छा वापस मुश्किल से लेके आए ठीक है हाँ। देखो भाई हमारे आगे पीछे गाड़ी रहती है अच्छी अच्छी, सस्ती गाड़ी आ रही है, सस्ती गाड़ी सबसे महंगी तो हमारी है वैगन आर, बढ़िया हमारी ये है हमर बेकार से भाई। थोड़ी देर के लिए ना वो टर्बो ऑन किया, ओके हाँ टर्बो ऑन किया एक बहाने के लिए वाला रुक गया थे बीच में, तो वो कहते हैं फोटो करा लो, मैंने मना कर दिया, इतना वो नहीं देना खाओ उनको। क्या चल रहा था हमारे वाला रुक गया था ना बीच में, कहते फोटो ले लो वाली। हाँ, वाली। वो। फोन
क्या कर रहा है भाई? हाईवे पे चल रहा हूँ, रुक जाओ बीच में, ये देखो ये रुक गया, देखो ये आगे लगा रहे गाड़ी वाले। कुछ हुआ ही मैंने कहा विजय क्या कहने वाला था अभी, मैं इसकी लाश गाड़ी कार लगा दी फिर सोने दे भाई, सोने दे भाई, सोने दे बड़ा सताया तू, याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर ना होए, दिल में जो तेरी कितनी तेरी उड़ फुट जांदी नहीं आवे, तू मुड़ के हुण मैं तकरा फरियादा नी राहां विच जिद बैठी इक लेके तेरी आता इक तेरी खैर मंगदी, मैं मंगा ना कुछ और इक तेरी खैर मंगदी। ये आंटी ना सबका जा रही है, ठीक है, मैं तो रुका नहीं, मेरे पास आई थी, मुझसे कह रही है हेलो, मैं क्या हुआ, तो रुपये कुछ मांग रही थी, कुछ समझ नहीं आया, मैं तो आगे आ गया, तो ये सब पे जा रही, सब पे कुछ बोल दिया उनसे, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही है, तो मैं थोड़ा दूर आ गया इनसे। वैसे भी स्कैम बहुत चल रहा है आजकल, दिल्ली मेट्रो में स्कैम हो रहा है। A few moments later, हमको ज्वाइन कर चुके हैं बिक्की डॉन, बिक्की डॉन के जा रहा हूँ मैं डेट पे खाने खाने, ओए 369 तो बिक्की डॉन पे वो खाने खिला रहा है, आज पार्टी दे रहा है, कह रहा मैंने आज 16 मर्डर केस करे, आज इसमें 16 मर्डर केस है, तो ये पार्टी दे रहा है। और एक मर्डर करने जा रहे अभी हम अभिषेक को देने का, फ़ोन उठाता है नहीं, वो मैंने ना उसको मैसेज किया कि भाई फ़ोन उठा ले, कुछ एमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, अब फ़ोन आ रहा है उसका, तो उसका मर्डर करने जा रहे हैं, छोटा सा तो है वो, एक हाथ का है, उसका मर्डर करते हैं। और जिम शायद जाए आज, ये शिपरा कह रहे वो उधर है राजौरी साइड, अब उसे बंद कर रखा है ललित ने 2 दिन के लिए, फिर भी उसका फ़ोन करा मैंने, मैसेज करा कि भैया चाबी दे देना, फैमिली फंक्शन, उसके फैमिली फंक्शन में खाता हुआ, बाकी मिलते हैं, मिलते हैं, अरे बोलते रहो खाना खाने जाने को बैठे, ये इसका मर्डर होगा आज, ये इसका अरे तू बार बार आएगा चल ना, तू हर बार आएगा देख लियो भाई, मैं दिख रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा है, और तो दिख नहीं रहा है इसमें कैमरे में, अब दिख गया तू भी नहीं दिख रहा बेटा, अब दिख रहा हूँ मैं कुछ तो दिख रहा हूँ मैं, ये वो दिख नहीं रहा है देखो, तो लाइट में दिख, तू भी नहीं दिख रहा है भाई, मेरे पे आ रही है स्क्रीन पे लाइटनिंग, अब आ रही है ना, अब आ रही है, तो भाई बिक्की डॉन हमको पार्टी दे रहा है, इसमें आज 16 मर्डर केस का वो लगा है इल्जाम, और 17वां भी इसका होगा जो फोन खाता नहीं मेरा, डाल ले इसने, मत चिल्ला यार, मैं चिल्लाऊंगा, बैठो ए इसको यहीं छोड़ दो, ये क्या है, घुमा ले इसने, चिल्लाई तो चिल्लाई तो सब डर के भाग जाएंगे, ओए क्या कर रहे हैं आए बदमाशी, नहीं चला ले देख 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 देख
करो गुद्दी लाल मार गुद्दी पे इसके साइड कर लिया इसने ओए गाड़ी आ रही है चलो भाई अब कालपन आ गया सही है ऑटो सील से भाई तो फोन ले जिल भाई सबसे मजे ले रहे पकड़े से कहा जा रहा है थोड़ी पुलिस तो हमारी जेब में है घोड़े से मैं भाई कह रहा था जय श्री राम जल्दी बोलो भाई जैसे बोलो तो मैं चिल्लाऊंगा जय श्री राम भाई बोल भाई जय श्री राम तेज बोल तो भाई तेज जय बोलो भगवान का नाम है बाल ऐसे हो रहे तो व्लॉग होता है भाई देरी खत्म बाल देखना कैसे हो रहे ऐसे ऐसे जा रहे मेरे बाल तो व्लॉग होते देरी खत्म मैं थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूँ अब और तुम्हें व्लॉग देखे कल तो लाइक शेयर कमेंट कर देना थोड़े यार 1K के बहुत करीब है यार थोड़ा व्यूज लाओ यार क्या कर रहे हो यार तुम सभी यार प्लीज जल्दी से करो यार तो शेयर करते रहो वीडियोस यार मेरी वीडियोस देखो लाइक शेयर कमेंट कर दो बाकी की वीडियोस भी देख लो और हेल्प करो सपोर्ट करो अपने भाई को यार बढ़ने में यार बहुत दुखी हूँ भाई प्लीज़ ना बंदी है ना कुछ थोड़ा सपोर्ट करो कालापन आ रहा फिर से ज़िंदगी में कालापन है क्या करें ठीक है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू द चैनल डन